सो हेगा से क्या चल रहे भाई, ये तो आज हम लोग फिर से एक बार खेल रहे हैं आरडीआर, और आज हम लोग फिर से एक बार आज क्या आर्थर के साथ। तो आप लोग को याद होगा पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने काफी कुछ किया था। सबसे पहले तो हम लोगों ने आर्थर का पूरा हुलिया चेंज कर दिया भाई, इसके लिए नए कपड़े खरीदे। अभी देख रहे हो आर्थर अपना एकदम हीरो जैसे लग रहा है, एंड फिर अपन लोग हीरा को लेकर आए, और हीरा के बाल और आर्थर के कपड़े देख रहे हो मैचिंग मैचिंग लग रहे हैं, मतलब लग रहा है कि भाई अपना ही घोड़ा होगा। एंड उसके बाद हम लोगों ने एक बहुत बड़ा सा ब्रिज उड़ा दिया, फिर पुलिस के हाइड आउट में घुस गए, वहां से अपने गैंग के बंदे को बचाया, मतलब काफी ज्यादा तो भाई मचाई। और आज भी मेरा प्लान है यार, आज भी हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। एंड जैसे ही हम लोग गेम के अंदर आए गाइस, यहां पर रात हो चुकी है, एंड रात में देखो यहां का नजारा ना कुछ ऐसा नजर आता है। रात में ना भाई जंगलों के बीच बहुत ज्यादा खतरा है, मतलब यहां पे ना सिर्फ शिकारी घूमते रहेंगे एंड जंगली जानवर भी बहुत ज्यादा होंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार अभी ना आर्थर की हालत देखो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो जंगली जानवरों से मेरे को लगता नहीं कि लड़ पाएगा। अभी ना अपन लोग आराम करते हैं, सुबह उठकर अपन लोग डच के पास चलेंगे। भाई डच का यहाँ पे काम भी आ रहा है, पहले मैं मैप को ओपन करता हूँ, एंड डच मेरे को बुला कर आ रहा है, पहले मेरे को देखना पड़ेगा। एक सेकेंड भाई, मैप भी देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा बड़ा है, भाई पूरा का पूरा मैप खुल चुका। ओके डच यार कैंप में है, तो पहले मैं कैंप पे मार्क लगा लेता हूँ। वैसे ज़्यादा दूर नहीं, नहीं यार बहुत ज़्यादा दूर है, तो पहले ही काम करते हैं, फटाफट से सो जाते हैं, एंड सुबह उठ के अपन लोग डच के पास चलेंगे, चल के देखते हैं कि यार काम क्या कर रहे हैं। एंड हाँ, कुछ लोग यार कमेंट्स भी आ रहे थे कि जैसे जैसे चैप्टर 6 खत्म होगा अपना आर्थर भी मर जाएगा। भाई मेरे को नहीं पता क्या होने वाला है, पर अगर आर्थर मरता है ना तो भाई बहुत खतरनाक सीन हो जाएगा, मतलब मेरे को तो बहुत बुरा लगने वाला है। बाकी आप लोग को कैसा लगा कॉमेंट करके बताना, एंड हाँ लाइक कर दो यार जिसने भी नहीं किया है। तो फटाफट से काम करते हैं, पहले अपन लोग ना सो जाते हैं आराम से। ओके तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे 3 घंटे की नींद लेगा, 9 घंटे की या फिर 15 घंटे की। तो अपन लोग 9 घंटे की नींद लेने वाले हैं, अपना काम हो जाएगा। ओके तो गाइस अभी सुबह हो चुकी है, एंड मेरे को लगता है कि फटाफट से अभी निकलना चाहिए भाई, आज मौसम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो रहा है। और मेरे पास खाने के लिए मेरे को नहीं लगता कुछ होगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं, अगर मेरे पास कुछ पड़ा होगा तो मैं कुक कर सकता हूँ भाई, सुबह सुबह नाश्ता कर सकता हूँ, बट मेरे को नहीं लगता कुछ पड़ा होगा। एक सेकेंड, ओके नहीं नहीं भाई कॉफ़ी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई, एक भी चीज़ नहीं पड़ी है, तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। ओके तो अभी हम लोगों ने कैंप को यहाँ पे भाई पूरा बंद वगैरह कर दिया है, कैंप को पूरा पैक कर लिया है, आग बुझा दी है, रास्ते में कैसे खाने का इंतजाम कर लेंगे। और मेरे पास हीरा के लिए तो कुछ ना कुछ होगा ना, तो पहले हीरा को खिलाते हैं, हीरा टेंशन मत ले भाई। ओके तो हीरा को अपन लोगों ने अभी खिला दिया है, और रास्ता कहाँ पर है भाई? ओके तो ये रहा रास्ता। बाकी यार यहाँ पर ना पुलिस से बचते हुए आया था, क्योंकि हम लोगों ने जब पुलिस के हाइड आउट में घुसे थे ना, तो भाई पुलिस ना अपनी तरफ चारों तरफ से अटैक कर रही थी, वो तो हम लोग पानी में मतलब बोट से जैसे तैसे बच गए। एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो मैं यहाँ आकर सीधे सो गया, एंड फिर दोबारा से रात ही हो गई, पता नहीं कैसे यार इस गेम में ना गाइस रात बहुत जल्दी हो जाती है, एंड रात में भी काफ़ी मज़ा आता है भाई खेलने में। तो फटाफट से अपने घोड़े को भगाते हैं, एंड जल्दी से निकलते हैं भाई डच के पास। मेरे को नहीं पता भाई काम क्या करेगा वो, बट हाँ जब भी डच बुलाता है ना कोई खतरे का काम ही होता है। ओके तो गाइज ये क्या है भाई सामने, एक सेकेंड, ओ भाई किसी का घोड़ा मरा हुआ है यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ देख रहे हो भाई ये किसका घोड़ा है भाई, ये लग तो बिल्कुल अपने तूफान के जैसे रहा है ना भाई। मेरे को नहीं पता इस घोड़े को मारा किसने, मारा या फिर मर गया मेरे को नहीं पता। ओके मैं इसको रिवाइव कर सकता हूँ, एक मिनट इसका बैग वगैरह चेक कर लूँ क्या। ओके मैं इसके बैग या शेडल चेक कर सकता हूँ, एक मिनट, ओके इसके बैग चेक कर लेता हूँ कुछ शायद। ओके मेरे को यहाँ पे एक बॉटल मिल गई काम की, एंड यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ब्रेड भी मिल गया है। ओके तो खाने पीने का थोड़ा सामान मिल गया है, बट पता नहीं यार ये घोड़ा किसका होगा भाई, हद है यार, मतलब पक्का मुझे लगता है किसी सांप वगैरह ने इस घोड़े को काट लिया होगा तभी ये घोड़ा मर गया। एक सेकेंड, ओके ओ भाई इसका हॉर्स है वो। ओके 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 कोई दिक्कत नहीं है गाइस, इसको राइड दे देते हैं, मेरे को नहीं पता इसको जाना कहाँ है, बट इसकी हेल्प करनी चाहिए भाई, अभी बहुत परेशान होगी, इसका घोड़ा जो मर गया है। ओके हेलो जाना कहाँ है तुम्हें? ओके ओके इन्हें रेंच पे जाना है, जो एमरल्ड रेंच है ना वहाँ जाना है, कोई दिक्कत नहीं है मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ। पता है कभी कभी रास्ते में ऐसे हेल्प करने से ना हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो हेल्प करती रहनी चाहिए। बाकी भाई अभी तो इसको बहुत बुरा लग रहा होगा भाई, इसका घोड़ा मर गया है भाई, मेरे को नहीं पता शायद हो सकता है बीमार हो या फिर देखो बहुत ज़्यादा ना जंगली सांप हो। तो एक सेकेंड ये क्या है भाई, ओ भाई सामने देखो गाइस कितने सारे घोड़े हैं,
बट अभी हम लोग घोड़ा नहीं पकड़ रहे हैं, हम लोग घोड़ा बाद में पकड़ेंगे। देखो मेरा प्लान है घोड़े को पकड़ने का एंड मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ। तो देखो मैंने ना दो तीन बढ़िया बढ़िया घोड़े के बारे में पता किया है, बट उसका एक बार टाइम पता लग जाए कि वो स्पॉन किस टाइम पे होते हैं, उसके बाद हम लोग जंगलों में जाके ना पकड़ेंगे घोड़ा, पक्का पकड़ेंगे चल के। बाकी अभी पहले इसको यहाँ से छोड़ते हैं जहाँ पे भी इसको जाना है, उसके बाद हम लोग चलते हैं डच के पास। ओके तो गाइस अभी हम लोग एमरेल्ड रेंज पे आ चुके हैं एंड पहले मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा आता था इस साइड में ना, मेरे पास जितना भी गोल्ड का जितना भी सिल्वर का सामान था ना मैं वो सेल करता था। एंड मैं सोच रहा हूँ कि गाइस यहाँ पे आए गए तो क्यों ना थोड़ा सामान सेल कर दिया जाए। और एक सेकेंड गाइस यहाँ देख रहे हो इस बान हाउस में काफी बढ़िया घोड़े हैं यार, एक मिनट मैं चेक करूंगा, अगर मेरे को कोई बढ़िया घोड़ा मिल जाता है ना तो भाई मैं यहाँ से चोरी कर सकता हूँ, बट चोरी मेरे को अभी नहीं करनी होगी, मैं ये काम रात में ही करूंगा। एक सेकेंड, ओके तो गाइस इसने मेरे को कुछ तो दिया है, मेरे को नहीं पता है क्या चीज। ओके एक सिल्वर की रिंग है भाई, देखो मैंने कहा था ना भाई लोगों की हेल्प करने से ना अपने को चीजें मिलती हैं। बाकी एक काम करते हैं, पहले घोड़ा यहाँ रोकते हैं, अंदर चलते हैं। भाई यहाँ के फार्मर्स ना घोड़ा भी पालते हैं, मेरे को नहीं पता था। एक मिनट अंदर जाने का, ओके रास्ता है नहीं, जंप करके चलते हैं। ओहो भाई क्या लग रहा है, एक सेकेंड स्टडी करते हैं सोर्स के बारे में। भाई कहाँ भागा जा रहा है ये? नहीं 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 गाइस ये सब नॉर्मल हॉर्स हैं, सारे के सारे नॉर्मल हॉर्स हैं, सारे हॉर्स एकदम नॉर्मल हैं, तुम लोग यहाँ देख रहे हो। नहीं यार बहुत ज़्यादा कमज़ोर है भाई ये, बहुत ज़्यादा कमज़ोर घोड़े हैं, कलर बढ़िया है इनका बट कमज़ोर घोड़े हैं। बाकी इस साइड में यहाँ पर इन लोगों ने भेड़ वगैरह पाल रखी है, इधर के फार्मर्स ना मतलब जानवर पाल कर ही अपने मतलब खर्चे वर्चे का काम करते हैं। तो अभी अपन लोग बाहर चलते हैं, देखो इस साइड में पूरी गाय गाय है एंड इस गेम की ना गाय बहुत हट्टी घट्टी है भाई भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने अभी इनका घोड़ा चोरी किया फिर अगर किसी भी शीप को मारा ना तो भाई पुलिस तुरंत मेरे पीछे पड़ जाएगी। ओके तो अभी एक काम करते हैं अपन लोग यहाँ रुकते हैं। ओके ये रहा ये बंदा, ये शायद हमसे सामान खरीद लेगा। एंड ये वाला डॉग देख रहे हो भाई, ये एक शेपर्ड डॉग है भाई, कितना ज़्यादा प्यारा सा ये भाई, कितना प्यारा डॉग है भाई, पूछ हिला रहा है देखो मेरे को देखकर। एक काम करते हैं अभी फटाफट से, मेरे को ना बाय नहीं करना, मेरे को सेल करना है, मेरे पास बहुत सारा सामान होना चाहिए। देखो भाई मेरे को बहुत कुछ मिला था गाइस, यहाँ देख रहे हो पैसा ही पैसा। इस बंदे से हम लोग काफ़ी कुछ खरीद सकते हैं बट अभी बहुत सारी चीज़ें अनलॉक मतलब लॉक हैं, अनलॉक रहना बाकी रह गया तो हम लोग वो भी खरीदेंगे। ओके तो अभी अपना काम हो चुका है। ये क्या है भाई, कितना छोटा घोड़ा है ये। ओके कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक बान हाउस है, फटाफट से अपने घोड़े को पकाते हैं, जल्दी से चलते हैं भाई कैंप की तरफ। तो अभी हम लोग यार अपने कैंप में पहुंचने वाले हैं। बाकी तुम लोग देख रहे हो ये पूरा का पूरा एरिया ना भाई रेड रेड हो रखा है, क्योंकि इस पूरे एरिया में हम लोग वांटेड है। यहाँ पे हम लोगों ने पुलिस से बहुत पंगे लिए हैं, वैसे यहाँ पे नहीं भाई आधे मैप में तो हम लोग वांटेड ही हैं, हर जगह की पुलिस हो गया, मिलिट्री हो गई, कैप्टन हो गया, मतलब हर कोई हमें ढूंढ रहा है भाई, अलग ही सीन कर रखा है हम लोगों ने। बाकी आज मुझे गैंग में काफ़ी सारे बंदे लग रहे हैं यार, बहुत सारे घोड़े हैं यार, देखो कुछ नए घोड़े भी आए हैं बट कोई भी ना बढ़िया घोड़ा नहीं आता, बस नॉर्मल से ही है, लोग पता नहीं आसपास ही पकड़ते होंगे। ये देख रहे हो ये डच का घोड़ा है, डच का घोड़ा अलग ही शाइन करता है भाई, मतलब सिल्वर कलर का है या फिर वाइट कलर का मेरे को नहीं पता बट ये एकदम अलग ही घोड़ा है। और अभी मेरे को डच के पास चलना है, वो सामने बैठा है क्या? ओके भाई ये जो लेडी मेरे बगल में ना ये बहुत खतरनाक है भाई, इसने एक शॉट गन से ना एक बंदे की खोपड़ी उड़ा दी थी, वो भी बिना किसी बात के। ओके तो वो रहा डच, गाइस कुछ ना कुछ पंगा होने वाला है क्योंकि आज अपनी गैंग के सारे बंदे भाई यहाँ पे हैं, सारे सारे के सारे। माइक भी शायद यहीं पे, ओके माइक भी सामने बैठा हुआ है एंड डच भी यहीं पे ही है, मतलब कुछ तो तगड़ा सीन होने वाला है यहाँ पे, कुछ तगड़ा सीन होने वाला है। फटाफट से चलते हैं। ओके तो जल्दी से चल के पता करते हैं कि काम क्या है। ओके पूरी गैंग यहाँ पे गन वगैरह लेकर बैठी हुई है, मतलब कुछ तो इन लोगों ने तगड़ा प्लान कर रखा है। ओके तो गाइस अभी हम लोग अपने गैंग के बंदों से बातें कर रहे थे एंड अचानक से यहाँ पे कुछ और गैंग के बंदे आ गए जिनकी हम लोगों ने शायद हेल्प करी थी एंड ये यहाँ पे कर क्या रहे मेरे को नहीं पता। ओके ये तो वो अंकल है ना जो हमें मिलिट्री कर्नल के पास लेकर गए थे। ओके ये वो आदिवासी लोग है जिन्हें हम लोगों ने बचाया था पिछले वाले एपिसोड में, जिनके हमने बेटे को बचाया था, वो भी यहाँ पे है, वो मतलब कबीले वाले लोग हैं यहाँ पे। भाई ये लोग कर क्या रहे हैं सारे के सारे लोग मिलकर। ओके तो गाइस अभी यहाँ पे बहुत तगड़ा सीन चल रहा है, जो अभी बंदे आए हुए थे ना भाई उस गैंग का लीडर, ये अंकल उस गैंग के लीडर है एंड अभी उनकी जगह इनके बेटे ने ले ली है
एंड ये चाहते हैं कि आर्थर भाई उसकी हेल्प करे, क्योंकि वो जा रहा है भाई किसी ट्रैप में फंसने। भाई बहुत तगड़ा सीन है, जो भी चलता है ना बहुत तगड़ा सीन है। तो अभी आर्थर उसको बचाने जा रहा है, मतलब उसको ही नहीं भाई इन अंकल की पूरी गैंग को बचाने, क्योंकि वो सारे ना खुद को भाई मरने जा रहे हैं। ये देखो भाई ओके, तो बहुत टाइम बाद अपनी पूरी की पूरी गैंग एक साथ काम करने जा रही है, तो बहुत तगड़ा सीन होने वाला है। हमें उन लोगों को रोकना होगा ओके, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से निकलते हैं। भाई देख रहे हो पूरी गैंग जब साथ में निकलती है तो भाई लगता है ना भाई पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, मतलब देख रहे हो बहुत तगड़ा सीन होगा। बाकी डच का और भाई जो मेरा घोड़ा है ना सेम ही है, बस मैंने कलर बदल दिया उसके बालों का, ताकि भाई मतलब पता लगे भाई अपना घोड़ा थोड़ा रईस ही है। देख रहे हो कलर कर रखे मैंने उसकी पूंछ पे और उसके बालों पे कलर कर रखा है। ओके जाना कहाँ पे है, ओके गवर्नमेंट आर्मी की बात चल रही गाइस यहाँ पे। ओके हमें उन्हें बचाना पड़ेगा, जो लोग अभी हमारे कैंप में आए थे ना, पूरी की पूरी जो उनकी गैंग है ना उसको बचाना पड़ेगा। वो आर्मी से कुछ लड़ने जा रहे हैं फिर कहीं तो जा रहे हैं। ओके तो गाइस अभी हम लोग इस लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं, तुम लोग को ये वाला एरिया तो याद ही होगा, यहाँ पे मैं पहले बहुत ज्यादा शिकार करने आता था, पर अभी इस वाले एरिया पे भाई मिलिट्री ने कब्जा कर लिया, मतलब गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया है, तो हम लोग शायद उसी साइड जा रहे हैं एंड वो लोग भी यहीं पे आए हैं। एंड मेरे को आगे से कुछ तो आवाज आ रही है ओके। बाकी भाई डच बोल रहा है कि उसके पास अभी भी एक प्लान है जिससे वो सबको बचा सकता है, तो पता नहीं क्या होने वाला है। ओके तो गाइस अभी हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं एंड ये तो ईगल फाइल्स का बंदा है ना। ओके भाई निपट गए, जिनको हम लोग बचाने आए थे भाई इसी गैंग को तो हम लोग बचाने यहाँ पे आए हैं एंड ये बंदा घायल हो चुका है पूरी तरीके से। ओके जल्दी जाना पड़ेगा भाई, उसने गलती कर दी, उसे अपने फादर की बात माननी चाहिए थी, मतलब उस भाई जो अंकल थे उनकी बात माननी चाहिए थी, बट नहीं भाई बदमाश ज़्यादा बन रहा था गैंग को लेकर, पता नहीं कहाँ जा रहा है। और ये हम लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, उन लोगों से लड़ने जा रहे हैं या फिर भाई खुद मरने जा रहे हैं। ओके तो सामने तुम लोग देख सकते हो गाइज वहाँ पे आग लगी हुई है, ये तो ऑयल फैक्ट्री है ना। ओके तो गाइज अभी हम लोग ऑयल फैक्ट्री की तरफ आए भाई जंगल में से होते होते, मेरे को तो लगा था कि हम लोग जंगल के अंदर जा रहे हैं मिलिट्री को मारने, बटिया ऑयल फैक्ट्री में। ओके इन लोगों ने ऑयल फैक्ट्री में आग लगा दी है गाइस। ओके तो अभी सारे लोगों ने भाई हमला बोल दिया है और भाई बहुत तगड़ा सीन होने वाला है, तुम लोग देख रहे हो। निकल यहाँ से भाई, पूरी गैंग अटैक कर रही, मूवी वाला फील आ रहा है, जैसे मूवी में नहीं होता सारे गुंडे आते हैं घोड़ों से मारने। अरे आगे से तो हटो भाई, मैं हीरो हूँ भाई, मुझे आगे तो जाने दो भाई, मेरे से आगे निकल रहे लोग। गया ये ओके, हॉर्स इसको यहाँ छोड़ना पड़ेगा, मैं तो अपनी पिस्टल चलाने वाला हूँ, पिस्टल चलाने में भाई मैं बहुत माहिर हूँ। निकल यहाँ से, पर पिस्टल ही चलाऊंगा मैं पिस्टल। एक सेकंड पहले इसको दब बजाना पड़ेगा, ये भाई ऊपर से बजा रहा है अपनी टीम को। अरे भाई कहाँ कहाँ चढ़े हुए हैं, कहाँ कहाँ, एक सेकंड इसकी तो ऐसी की तैसी, इसका तो गला काट। अरे भाई मैं काटने वाला था गला, गोली नहीं चलानी थी। निकल यहाँ से, एक और बंदा आसपास ही है गाइस, जो क्लोज में है ना पहले उन्हें मारना पड़ेगा। ओ भाई वहाँ बंदे बहुत ज़्यादा। भाई ये लड़की देख रहे हो, ये अपनी गैंग की जो भाई लड़की है भाई, कितनी खतरनाक है भाई ये लेडी। ओ भाई आँख में शॉट दिया मैंने, मैं जा रहा हूँ यहीं पे लड़ने इन लोगों से। दीदी खोपड़ी उड़ा दी उसकी। ओके आगे जाना है क्या, अरे अरे आगे मत गिरा देना भाई मुझे, धक्का उक्का मार के। ये गाइस पूरी की पूरी ऑयल फैक्ट्री है, इसीलिए यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से आग लग रही है। ओ बचा लिया भाई, बचा लिया मैंने उस बंदे को शूट करके। ओके सारे के सारे बंदे मर गए भाई, सारे के सारे। मुझे लगा था हम लोग भाई आर्मी से लड़ने जा रहे हैं, बट यहाँ तो कुछ और ही सीन हो रखा है। ओ भाई हेडशॉट जो पड़ते हैं ना भाई, करारे हेडशॉट हैं। निकल यहाँ से मैं लूटना तो चाहता हूँ पर मैं लूट नहीं सकता गाइस अभी। अरे ये तो अपनी अपना ही बंदा है भाई। ओ एक सेकंड। अबे उठ जा भाई, क्या लेट गया। यही तो दिक्कत है इन लोग की, यही तो दिक्कत है।
ये लोग एक गोली चलाते हैं फिर तुरंत रीलोड करते हैं। एंड अपन अपने पास है पिस्टल, निकल यहाँ से। एंड जब तक ये लोग गोली चलाएंगे ना तब तक तो मैं इनके मुंह में घुस जाऊंगा। भाई दो गोली वेस्ट करा दी इसने मेरी। निकल यहाँ से। ओके गया। अरे इनको तो मैंने देखा ही नहीं भाई। अरे भाई मेरे को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, मैं जब तक एम कर रहा हूँ ना ये लोग भाई गोलियां मार दे रहे हैं, दो दो हाथों से गन चला रहे हैं। थैंक्स। और एक सेकंड एक सेकंड। ओ भाई और आ गए गाइस ट्रेन में, ट्रेन से और आ रहे। ओ ये तो तगड़ा सीन है। एक सेकंड गाइस, भाई इसको तो मारना पड़ेगा। अरे तेरी, गए निकल यहां से। ये लोग हेडशॉट नहीं मारते, ये लोग हेडशॉट मारे ना तो मैं एक ही बार में निपट जाऊं, बट ये लोग लगाते हैं बॉडी शॉट और हम लगाते हैं भाई हेडशॉट। मेरे को मशीन गन चलानी है। अरे 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 भाई उनके साथ जाना पड़ेगा, निपटे हुए नहीं तो लोग। तेरी तो निकल यहां से। अरे भाई दो दो बंदों से अकेला लड़ रहा है ये। इनके पास गन ही नहीं है गाइस, ये बो से लड़ रहे हैं। वो देखो कैसे भागते हुए जा रही है। भाई अपनी गैंग के बंदे कुछ भी गो है तो खतरनाक, भागते भागते गोलियां चला रहे हैं, उन्हें लेना देना ही नहीं है कि एम लगेगा या नहीं लगेगा, बस भागते भागते मार रहे हैं। रन एंड रन कर दिया गाइस। पीछे से और आ रहे हैं, और आ रहे हैं, पीछे से और आ रहे हैं। अरे बहुत बंदे आ गए भाई, बहुत बंदे आ गए। एक सेकंड गाइस, मेरे पास भी बो है क्या? नहीं मेरे पास नहीं, अगर मेरे पास होती तो मैं अभी चलाता, बट मैं अभी राइफल निकाल ली होती। निकल यहाँ से। तेरी दो रिटर्न टू डच। ओके डच के पास आना पड़ेगा, डच खतरे में, डच के पास। अबे मेरा घोड़ा क्यों आ रहा है भाई? हीरा तू क्या आ रहा है भाई? हीरा निकल यहाँ से। ओके गाइस हम लोगों ने सारे के सारे बंदों को मार दिया। अगर हमारी गैंग यहाँ नहीं आती ना तो ये बंदे ना कब का नहीं पड़ जाते, क्योंकि यहाँ पे ना भाई गवर्नमेंट ने अपने बंदों को भेजा हुआ था ऑयल फैक्ट्री में, एंड इस वाली ऑयल फैक्ट्री से ना काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है भाई, इसी वजह से इसे पूरा का पूरा जला दिया है, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। बाकी अभी शायद यहाँ से निकलना या फिर और भी बंदे आएंगे मेरे को नहीं पता, पर सीन बहुत तगड़ा किया है गाइस, बहुत तगड़ा सीन, किसी को छोड़ा ही नहीं भाई, सबको ना ढूंढ ढूंढ के मारा है, ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे। ओके तो गाइस अभी यहाँ पे और भी बंदे आने वाले हैं भाई, अभी ना सारे के सारे लोगों ने पोजीशंस ले लिए हैं। बाकी मैं डच के साथ अंदर जा रहा हूँ, मुझे लगता है अंदर भी बंदे हैं क्या, एक मिनट। ओके डच को फॉलो करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको उड़ाना तो नहीं है कहीं, कैसा हो कि अंदर से इस फैक्ट्री को उड़ाना हो, क्योंकि बाहर से तो ये पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है। बाकी देख लो अभी भी चल रही है भाई, मशीन्स वगैरह अभी भी चल रही है, मतलब काम तो चल रहा है इसके अंदर। ओके देखते हैं करना क्या है। ओके एक तो ये पता नहीं कौन कौन सी बातें करते रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करता रहता है। फटाफट से ऊपर चलते हैं। ओके तो गाइज मुझे लगता है वो जो सामने रूम है ना ये उसमें जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी अपनी गन, ये वाली गन निकाल लेता हूँ। ओके देख लेंगे जो होगा। देख रहे हो दो दो गने निकाल ली भाई इसने तो। लूट द ऑफिस। ओके
कुछ है लूटने के लिए यहाँ पे? जो भी है मैं उठा लेता हूँ। ओके, ये एक इंजेक्शन शायद कुछ तो मिला है। गन ऑयल है। ओके, इंजेक्शन नहीं है। मेरे को देखना पड़ेगा एक सेकंड, कुछ और भी है यहाँ पे। ओके, ड्रॉल चेक करता हूँ। ओके, एक वॉच मिल गई मेरे को, सिल्वर पॉकेट वॉच। ओके, कुछ तो इसके हाथ लगाए गाइस, कुछ तो हाथ लगाए इसके, कोई ना कोई लेटर हाथ लगा है। ओके, स्टेट बॉन्ड है इसके हाथ में। ओके, फ्यू थाउजेंड डॉलर का ये। खुशी देख रहे हो इसकी? ओ भाई, मिस्टर मॉर्गन, लेट्स गो होम। ओके, लेट्स गो होम, हो गया बस अपना काम। पर डच को ना किसी से लेना देना नहीं है भाई, डच को सिर्फ पैसे से लेना देना है। मुझे तो लगता है कि आगे जाके ये अपने को धोखा दे सकता है ये बंदा। एक ये हो गया एंड एक माइक हो गया, और एक दो बंदे ना गैंग के, जिनको देखकर मुझे लगता है कि ये लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। पैसों के लिए ये अपने को कभी भी धोखा दे सकते हैं। वैसे मैंने इनकी जान इतनी बार बचाई है, अगर मैं नहीं होता ना तो ये लोग कब के निपट गए होते। बट फिर भी गाइज, ये लोग भरोसा करने वाले लोग नहीं है। ओके, एक सेकेंड गाइज, यहाँ पे कुछ तो तगड़ा सीन हो गया। ओ भाई, ये यहाँ क्या कर रहा है? एक सेकेंड, अपनी गैंग थी ना बाहर, वो लोग कहाँ गए? एक मिनट गाइस, एक मिनट, अभी बताता हूँ मैं तुम लोग को। निकल यहाँ से भाई, अपने को कोई नहीं पकड़ सकता अपने को। निकलो 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 निकले, कहाँ से भाग गया वो? चल चल चल, डच निकल 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 यहाँ से। एक सेकंड गई, ये क्या? एक सेकंड, ओ भाई डच बचा नहीं अपने को। आई नीड हेल्प। ओ तेरी गाइस, अभी मैं इसी की बात कर रहा था। ओ भाई भाई भाई, ये तो वही है ना ईगल फाइल, जिसने जिसको अपन लोगों ने हाइड आउट से बचाया था इस बंदे को, इसको गोली मार दी। ओ भाई गाइज, यहाँ तो पूरा का पूरा सब कुछ पलट गया यार। डच ने अपने को बचाया नहीं, और इस बंदे ने अपनी जान बचाई, इसको गोली लगी हुई है भाई पेट के अंदर, देख रहे हो कितनी भयंकर तरीके से लगी है भाई। इस गेम की जो डिटेल्स है ना, बहुत तगड़ी है। पर इस बंदे ने अपनी जान बचा ली, अगर ये नहीं आता ना तो वो लोग चाकू घुसा देते आर्थर के पेट में। भाई, कितना चालाक बंदा है ये मेरे को बचा सकता था वहां पे अगर गोली चलाता तो। वी गॉट सम मनी। भाई 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 भाई, कितना धोखेबाज बंदा है ये। धोखा भाई गाइस, ये धोखा देगा पक्का, मेरे को पूरा यकीन हो गया ये बंदा अपने को धोखा देगा। इसके वजह से भाई अपन लोग मर सकते हैं। ओके, एज यू विश। ओके, पहले इसको इसके घर पहुंचाना जरूरी है भाई, इसकी हालत बहुत खराब हो गई है। ओके, I'll be back when I can. I'll stay with you and me, of course. Okay. And so will I. No, get out of here, please. This ain't gonna be nothing nice. Be safe, Arthur. Okay, तो पहले फटाफट से चलते हैं भाई, इसको इसके कैंप पे पहुंचाते हैं। अपने साथ दो तीन लोग जा रहे हैं ना, कितने लोग जा रहे हैं? Hold on, my friend. Okay, एक तो चार्ल्स जा रहा है, चार्ल्स बंदा ठीक है भाई, वो अपने साथ जाता है जहाँ पे भी जाते हैं। और एक दो अपनी गैंग के बंदे और बढ़िया थे, बट वो लोग भाई मर गए भाई डच के वजह से। मुझे तो अब लगता है कि उन्हें भी ना डच नहीं मरवाया होगा, वो बच सकते थे, पर डच ने शायद उनकी हेल्प ना की हो। डच ऐसा ही बंदा है, अभी तुम लोगों ने देखा भाई, डच का सच मेरे सामने आ गया। मुझे लग नहीं रहा आर्थर उस पर भरोसा करेगा, क्योंकि अगर उस बंदे का भरोसा किया तो वो कभी भी मरवा देगा भाई। अभी वो बचा सकता था भाई, मरने के लिए छोड़ के जा रहा है कुछ पैसों के लिए, वो भी हद है भाई, हद है। बाकी फटाफट से भाई चलते हैं, इसको पहुँचाते हैं भाई इसके कैंप में, जहाँ पे इसके फादर है वहाँ पहुँचाते हैं। ओके, तो अभी हम लोग इनके कैंप में पहुँचने वाले हैं। बाकी गाइस, तुम लोग देख रहे हो जो मेरे पीछे बैठा है ये बंदा, भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही है।
भाई ये लग रहा है गिर ना जाए पीछे से। गाइज ये मेरे को लगता नहीं कि ये बचेगा। इसको जल्दी से जल्दी इसके कैंप में पहुंचाते हैं। तो कैंप भी ना यार काफी ऊपर पहाड़ पे है। ओके तो गाइज मुझे लगता है हम लोग पहुंच चुके हैं कैंप में। ओके ईगल फाइल्स हम लोग आ गए भाई, आ गए तेरे को कैंप में लेकर आ गए इसके फादर के पास। ओके चीफ सन, ओके सब लोगों ने देख लिया। ओके भाई वो जो अंकल है ना वो चीफ है इस कैंप के, मतलब हाँ भाई लीडर है वो इस कैंप के। ओके आगे लेकर चलो, आगे लेकर चलो। उनका वो वाला टेंट है, जो सामने टेंट है ना वो वाला है उनका चीफ का, तो मेरे को वहीं तक लेकर जाना पड़ेगा। ओके वो रहे चीफ। ओके भाई बहुत तगड़ा सीन है गाइस, बहुत तगड़ा सीन। भाई इस ईगल फाइल्स की ना हालत तो बहुत ख़राब हो रही है। गोली ने मतलब पूरा का पूरा पेट ऐसा लग रहा है ना भाई छेद ही कर दिया, फट गया पेट पूरा। ओके टेंट के अंदर भी इन लोगों ने आग जला रखी है भाई, और टेंट भी पता नहीं किस चीज़ से बना रखा है। पिछली बार जब मैं आया था ना चारों तरफ यहाँ पे भाई वुल्फ की और पता नहीं कौन कौन सी स्किन्स लगी हुई थी। अभी भी देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा स्किन्स है भाई, बहुत स्किन्स होती हैं यहाँ पे। ओके तो गाइज वो मर चुके हैं मुझे लगता है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा शांति हो गई है। एंड भाई चीफ ने हमें अपने टेंट से भी बाहर निकाल दिया है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ गाइज, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। उसे मरना नहीं था, अगर भाई डच अपनी हेल्प कर देता ना तो वो बंदा मरता नहीं, वो बच जाता, पर डच ने हेल्प नहीं करी और वो अचानक से आ गया भाई। अगर वो नहीं आता ना तो आर्थर गया था भाई। मुझे लगता है भाई आर्थर को समझ में आ चुका है कि डच उसको धोखा देगा, अभी भी दिया है और आगे भी देगा। I'm sorry, but we must pack and move. Okay, तो अभी हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भाई माहौल बहुत ही खराब हो गया है। तो अभी हम लोग यार वहां से तो आ चुके हैं, बट अपनी हालत गाइस काफी ज्यादा खराब हो रही है भाई। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं भाई आर्थर बहुत ज्यादा वीक हो जा रहा है, बहुत ज्यादा वीक। अब तो इतना ज्यादा हालत खराब हो गई है भाई, पता नहीं कहाँ गिर गया आर्थर। ओके ये कौन है, एक सेकेंड गाइस ये लोग कौन है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ओके तो अभी आर्थर को यहाँ पे होश आ गया है, तो आर्थर को एक फैमिली उठा के ले गई थी, उन लोगों ने आर्थर की थोड़ी बहुत हेल्प करी, बट आर्थर वहाँ से आ गया क्योंकि अगर मैं वहाँ रहता तो वो फैमिली मुसीबत में पड़ जाती, इसीलिए आर्थर वहाँ से निकल के आ गया। एंड अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसा हो चुका है, बट पैसे का क्या करेंगे भाई, आर्थर की हालत ही इतनी ख़राब हो रही है। पहले मैं काम करता हूँ, मैप को खोलता हूँ। एंड अभी डच ने फिर से कैंप में कुछ तो सीन कर रखा है। ओके यहाँ पे डच नीड टू स्पीक। ओके डच यहाँ पे भाई अपने इसको बात करेगा। ओके चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं। ओके क्या सीन होगा गाइस अभी चल के देखते हैं। मेरे को इतना तो पता है डच कुछ भी बोले भाई धोखा तो ज़रूर देगा। एंड मैं अभी ओ भाई हीरा तो भाई फुल जोश में, देख रहे हो कितने बड़े बड़े जंप कर रहे हैं। यहाँ से ऊपर जा सकता है क्या हीरा, यहाँ से जा सकता है आराम से भाई। एक सेकंड गाइस कोई पीछे सांप है, अच्छा सांप है सांप है, नहीं नहीं सांप नहीं है गाइस भाई लायन, माउंटेन लायन है। निकलते हैं निकलते हैं निकलते हैं यहाँ से फटाफट से कैंप पे निकलते हैं और चल के देखते हैं कि अभी डच क्या बोल रहा है। तो अभी हम लोग यार फिर से कैंप में पहुँचने वाले हैं। एंड यहाँ पे सारी चीज़ें लॉक क्यों रखी हैं यार, एक मिनट सैडी पीछे खड़ी हुई थी। ओके तो एक काम करते हैं हीरा को अपन लोग यहाँ छोड़ते हैं, फटाफट से डच के पास चलते हैं। मेरे को अभी डच से ही बात करनी है, बाकी मैं किसी से बात नहीं करने वाला, सीधे डच से चलते हैं, पता करते हैं कहाँ पे ये। ओके तो मुझे लगता है वो अपने टेंट में बैठा हुआ है। ओके तो अभी डच यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि यार उसने वो जानबूझ के नहीं किया था भाई, ऐसी सिचुएशन आ गई थी उसे भागना पड़ा उसे अपनी जान बचाने के लिए। यहाँ देख रहे हो भाई मेरे को समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम इतने लंबे टाइम से साथ में काम कर रहे हैं, बट मुझे पता है कि यार ये बंदा धोखा देगा, ये सच अभी भी नहीं बोल रहा है, ये कुछ तो छुपा रहा है। ओके तो अभी हमारी डच से यहाँ पे बातचीत हो गया। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं भाई किसी रॉबरी करने के लिए, क्योंकि अभी ना अपने को काफी ज्यादा पैसा चाहिए भाई। डच बोल रहा है कि एक बार अपने पास पैसा हो जाए ना उसके बाद हम लोग ये कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके रहेंगे बिना किसी दिक्कत के, मतलब ना वहाँ पुलिस की टेंशन होगी ना मिलिट्री की टेंशन होगी, कोई होगा ही नहीं, हम लोग आराम से रह सकते हैं। एंड अभी अपना आर्थर मान गया है, मेरे को नहीं पता भाई उसकी बातों में क्यों आ रहा है, पर भाई आर्थर इसलिए मान गया क्योंकि डच के साथ वो बहुत टाइम से काम कर रहा है, उसने कभी भी धोखा नहीं दिया भाई, इसीलिए वो एक बार और भरोसा करने की सोच रहा है मेरे को लगता है। बाकी अभी हम लोग को सेंट डेनिस जाना है या मेरे को नहीं पता।
ओके तो अभी हम लोग एक ट्रेन रॉबरी करने जा रहे हैं गाइस, ये काफी तगड़ा सीन होगा, इससे हमें पैसे तो काफी मिल जाएंगे, बट पुलिस और आर्मी पीछे पड़ सकती है भाई। वैसे भी पुलिस देखो हमारा पीछा कर रही है, पर मेरे को नहीं पता हम लोग ट्रेन रॉबरी करने कहां वाले हैं, सैंट एडेनिस में या फिर कहीं और पे। ओके तो अभी मेरे को पता लग चुका है अभी हम लोग सैंट एडेनिस जा रहे हैं, एंड यहाँ से जाने में अपने को करीब एक घंटा तो लग ही जाएगा भाई घोड़े से जाते जाते, क्योंकि काफी ज्यादा दूर है। एक सेकेंड, ओके मेरे को जॉन को फॉलो करना है, हम लोग कोई घोड़ा गाड़ी लेकर आएंगे क्या? ओके बाकी सारे लोग शायद सैंट एडेनिस की तरफ निकल गए, हम लोग बाद में जाएंगे। ओके कोई दिक्कत नहीं है भाई, जॉन घोड़ा गाड़ी कहाँ से मिलेगी? ओके तो गाइज मेरे को घोड़ा गाड़ी नजर आ चुकी है, जॉन ने इसे जंगल में छुपा के रखा था क्या? ये रही सामने, ओके कोई दिक्कत की बात नहीं है। घोड़े कहाँ पे है भाई? अपने घोड़े तो नहीं लगाने इसमें? एक सेकेंड, गेट द डायनामाइट, एक सेकेंड गाइज हमें डायनामाइट चाहिए यहाँ से। ओके मेरे को बस डायनामाइट को कलेक्ट करना है, घोड़े नहीं चाहिए ना, घोड़ा गाड़ी चाहिए। ओके तो जॉन ने यहाँ पे ये छुपा के रखा था डायनामाइट लेने के लिए। ओके एक से काम चल जाएगा क्या? ये सही है भाई, जंगल के बीच में ऐसे छुपा रखा है किसी को पता ही नहीं लगेगा। ओके तो डायनामाइट से शायद हम लोग ट्रेन को रोकने वाले हैं, ट्रेन को स्टॉप करेंगे, फिर शायद रॉबरी करने वाले हैं। ओके दोबारा अपने को अभी अपनी गैंग के पास आना है, तो अभी हम लोग अपनी गैंग के पास आ चुके हैं। एंड भाई आते आते मैंने जॉन से काफ़ी सारी बातें की थी, आर्थर ने भाई जॉन को सारी चीज़ें बता दी कि ऑयल फैक्ट्री में डच मेरे को बचा सकता था पर मेरे को मरने के लिए छोड़ गया, तो जॉन ने भी उससे बोला कि भाई यहाँ डच और लोगों के साथ भी ऐसा कर चुका है और लोगों को मरवा भी चुका है वो, तो अभी आर्थर ने सोच लिया कि लास्ट उसकी ट्रेन रॉबरी है, एक बार पैसा उसके पास आ जाए उसके बाद वो डच को छोड़ के कहीं और चले जाएगा एंड कुछ और बंदों को भी अपने साथ ले जाएगा। बाकी देखता है ये होता है या नहीं होता है, क्योंकि भाई मेरे को लगता नहीं है कि डच हमें जाने देगा और वो भी पैसा लेकर। बाकी देखते हैं गाइस क्या सीन होता है, अभी हमारी पूरी गैंग सैंट एडेनिस आ चुकी है एंड हम लोग यहाँ बहुत बुरी तरीके से वांटेड है भाई, बहुत बुरी तरीके से। अगर एक को भी पहचान लिया ना तो बहुत तगड़ा सीन हो जाएगा। एक मिनट, पहले तो मैं भाई कपड़ा लगा लेता हूँ अपने मुँह में ताकि मेरे को ही तो कोई ना पहचाने। भाई मैंने मास्क लगा लिया है और बाकी तुम लोग देख रहे हो हीरा कैसा हो गया भाई, वाइट कलर का था पूरा ब्लैक होने जा रहा है, इतना ज़्यादा गंदा हो गया। जाते जाते मैं इसको कुछ खिला देता हूँ यार, कुछ खिलाया भी नहीं है, इतनी देर से मैं इसको चला रहा हूँ, एक घंटा लग गया यहाँ पे आने में भाई, बहुत स्लो चल रहे थे लोग। ओके तो गाइस अभी हम लोग ट्रेन स्टेशन पे आ चुके हैं, मेरे को नहीं पता हम लोग ये काम करने कहाँ वाले हैं भाई, यहाँ पे ट्रेन रॉबरी करेंगे क्या? अगर गाइस यहाँ रॉबरी की तो पुलिस तुरंत आ सकती है यार, ट्रेन को हमें कहीं और रोकना चाहिए था भाई, सिटी से बाहर। ओके ओके तो गाइस ट्रेन शायद आ चुकी है, मेरे को ट्रेन की आवाज़ आ रही है। ओके ये है क्या वो ट्रेन? ओके लग तो यही रही है, फटाफट से चढ़ते हैं इसके ऊपर। चढ़ेंगे कैसे भाई, ये तो बहुत ज़्यादा तेज है, रुकने वाली ही नहीं रुकने वाली, मेरे को नहीं पता। ओके गाइस हमें इसे पीने पीछे पकड़ना पड़ेगा, रुकने वाली नहीं है, ट्रेन को पकड़ना पड़ेगा। निकलो 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 भाई, ये हुई ना मज़ेदार चीज़, मतलब ये चीज़ बहुत तगड़ी है गाइस, भगते भगते भाई ट्रेन पे चढ़ना पड़ेगा घोड़े के साथ। बाकी बीच बीच में गेम थोड़ा सा लैग हो रहा है, मज़ा ख़राब कर रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है भाई। सारे लोग देख रहे हो कितनी तेज़ी से जा रहे हैं भाई, फटाफट से घोड़े को लगा के अपने को जंप मारना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये काम मैं बहुत पहले कर चुका हूँ, मतलब काफ़ी टाइम बात कर रहा हूँ। वो देखो ओके, अरे तीन चार लोग चढ़ गए भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम किसी से कम है क्या भाई। एक सेकेंड मेरे को ये वाली लो, इसमें 200 गोलियां हैं। गाइस मेरे को कोई दिख भी नहीं रहा, इतना अंधेरा हो रहा है ना अरे ये बंदा गोली नहीं चला रहा गाइस, ये बंदा गोली नहीं चला रहा था, खड़ा देख रहा था भाई, मेरा फेस देख रहा है खड़े होके। गया निकल यहाँ से, ये तो बेफालतू मरने वाले हैं। अबे चलती हुई ट्रेन से ना, एक सेकंड मेरे को दूसरी पिस्टल निकालने दो, ये पिस्टल ना ज़्यादा दमदार है। निकल यहाँ से, गया ये भी गया भाई, ये पिस्टल ना थोड़ी ज़्यादा दमदार है, आगे चलते हैं थोड़ा। अबे जॉन कहाँ जा रहा है भाई, मेरे को आगे जाने दे, ज़्यादा हीरो मत बन।
एक सेकंड गाइस, अंदर आगे आगे। एक तो यार ये वाली पिस्टल में ना एक ही गन के बाद रीलोड करनी पड़ रही है। एक सेकंड यार, मैं और कुछ मार सकता हूँ क्या? अब आग लगाता हूँ मैं। अगर मैंने आग लगा दी तो दिक्कत हो जाएगी यार, मैं खुद नहीं जा पाऊंगा उधर। निकल यहाँ से, चल 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 आगे। गया ओ भाई, कहीं सर उड़ गया इस बंदे का, एक का और सर उड़ गया। तुम लोग यहाँ देखो, इनका सर ही नहीं है भाई। ये गन तो बहुत खतरनाक है। एक मिनट भाई, क्या मूवी वाला सीन चल रहा है गाइस, मूवी चल रही क्या? अरे अरे, मैं तो कूद भी नहीं पाया। निकल, अबे रीलोड हो जा भाई। निकल यहाँ से। गाइस अभी ना लड़ाई झगड़ा बहुत तगड़ा चल रहा है, इसीलिए ना गेम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है, बट मज़ा भी उतना ही आ रहा है। निकल यहाँ से, गाइस ये गन बड़ी जल्दी रीलोड हो जा रही है, ये गन बहुत जल्दी रीलोड हो जा रही है, और इसका धमाका भी बहुत तगड़ा हो रहा है, इसका डैमेज बहुत तगड़ा है, डैमेज बहुत तगड़ा है। दोनों हाथों से चला रहा है ये बंदा, दोनों हाथों से। एक सेकेंड, इसने भाई आग लगा दी, इसने भाई गलती से देख लो लांटेन पे मार दिया। ओ भाई 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 भाई, भाई धमाका हो गया तगड़ा वाला। अब तो ट्रेन को रुकना ही पड़ेगा। एक मिनट, भाई मेरे को कूदना पड़ेगा गाइस। ओ बहुत सही, बहुत सही टच, फटाफट से भगा। अबे टच का घोड़ा तो बहुत तेज है भाई, इसका घोड़ा तो बहुत तेज है। कोई दिक्कत नहीं, मैं कूद जाऊंगा। ओके बहुत सही, ओके इसको अलग करना पड़ेगा भाई ट्रेन से, ताकि आग ना लगे। ओ भाई 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 भाई, ये पुलिस से कौन है? ओके पुलिस आ गई गाइस, शायद पुलिस आ गई। ये मशीन गन है भाई, मशीन गन है, देखो पैक करके ले जा रहे हैं। अब मैं मशीन गन चलाने वाला हूँ भाई, रॉकी भाई बनेगा यहाँ पे भाई अपन। ओके आधी ट्रेन तो पीछे ही चली गई। ओ भाई 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 भाई, भाई, भाई अचानक से ब्रेक लग गए उसमें भाई। एक सेकंड जॉन गया तेरी दो। ओके भाई अभी भी देख रहे हो, प्रोटेक्ट या मनी की बात चल रही है। ओके ये लोग सब पैसा वैसा लूटेंगे, मैं भाई सबको देख लूंगा पीछे से। आर्थर का दिमाग हो गया खराब अभी। भाई क्या मस्त वाटरफॉल है गाइस, अरे देख रहा हूँ यार, क्या चीख रहे हो तुम लोग? देख रहा हूँ सब दिख रहा है मुझे, कहाँ से कौन आ रहा है। आ जाओ और आओ, दो दो करके मत आओ, पूरे झुंड में आओ। सौ दो सौ आओ। ओ भाई और को बुला रहा है, बट अपनी तो जान देख ले। आप हुई ना बात, ऐसे आओ झुंड में आओ भर भर के, ताकि मशीन गन चलाने में मजा आए। मौत सबको बराबर दी जाएगी भाई, कितनी दूर तक मारती है गाइस ये। गाइस सबको ही निपटा दिया मैंने, ऑलमोस्ट सबको। ओके हो गया काम हो गया, फटाफट से आगे चलते हैं।
ओके भाई मेरे को नहीं पता ये ट्रेन जा कहाँ पे रही है, पर लोकेशन मस्त है, कुछ भी कहो जहाँ पे भी जा रही है मस्त लोकेशन पे जा रही है। अबे भागो भागो भागो, डायनामाइट फट जाएगा। ओके भाई, ओ भाई मनी इसमें छुपा रखा है क्या? एक सेकंड मेरे को गन निकालने दो, क्योंकि हो सकता है कि अंदर ये रही गन, हो सकता है अंदर बंदे हो। ओके भाई कितना ज्यादा पैसा है गाइस, ये मरा बंदा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा निपटने वाला है, इसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि ये निपटने वाला है गाइस। भाई बहुत ज्यादा ही पैसा है गाइस, कट्टे से हिसाब से मैं भरा पड़ा है, बोरे ही बोरे भरे पड़े। अगर ये सारा पैसा अपने को मिल गया ना तो अपना तो काम हो गया समझो। ओके ओ भाई ये वाला ब्रिज अपन लोगों ने पिछले वाले एपिसोड में तोड़ा था, आप लोग को याद होगा, शायद इन लोग को पता ही नहीं था कि हम लोगों ने ये ब्रिज पूरा का पूरा तोड़ दिया है। मतलब अगर हम लोग पैसा नहीं भी निकालते तो ये मरने ही वाले थे, बट अगर ट्रेन नीचे जाती तो ये सारे के सारे लोग निपट जाते एंड पैसा भी खत्म हो जाता। भाई तगड़ा सीन है गाइस, तगड़ा सीन है भाई, बोरो के हिसाब से पैसा मिला है, पैसा ही पैसा, आरडीआर के सबसे अमीर लोग बन चुके हम लोग, आरडीआर के सबसे अमीर। पैसा वगैरह सारा लोड कर लिया है, एक कट्टा मेरे पास भी है पैसों का, मतलब एक बैग बोल सकते हैं, कट्टा बोलना इतना सही नहीं लग रहा। ओके इसको मैंने भी लोड कर लिया है, फटाफट से निकलते हैं इससे पहले अभी पुलिस आ जाए ढूंढते हुए। ओके तो गाइस अभी हम लोग पैसा वगैरह लेकर वहाँ से निकल चुके हैं, पूरी टीम अभी एक साथ में ही जा रही है, और जब भी अपनी पूरी गैंग एक साथ चलती है ना भाई मज़ा आता है। और ये सिनेमैटिक देख रहे हो जो साथ में सिनेमैटिक चल रहे हैं भाई, ये भी बहुत ही सही है। ये क्या चल रहा है, अपनी गैंग पे अटैक हो गया गाइस किसी का? ओके गाइस यहाँ कुछ ना कुछ तगड़ा सीन होने वाला है। ओ भाई 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 सारे के सारे बंदों ने अपने को धोखा दे दिया एक तरीके से। ओके आर्थर ने सारा पैसा दे दिया। भाई आर्थर बहुत ही सही बंदा है गाइस, आर्थर ने सारा पैसा दे दिया यहाँ पे इसको कि जाओ भाई यहाँ से अपनी जी लो जिंदगी भाई। ओके चलो 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 अभी अपने को अपनी गैंग के साथ जाना है एंड जो भी बंदे अपनी गैंग से किडनैप हुए उन्हें वापस लेकर आना है। ओके तो गाइस अभी हम लोग इस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, शायद काफ़ी देर से मैं घोड़ा चला रहा हूँ भाई, कितनी दूर जाना है और ओके लग तो रहा है कि हम लोग पहुँच चुके हैं एंड यहाँ पे अपनी गैंग भी शायद आई है। ओके 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 शायद हम लोग पहुँच चुके हैं इस वाले शहर में, तो हम लोग भाई वांटेड थे यहाँ पे, हम लोगों ने कुछ टाइम पहले क्राइम किया था। ओके देखना पड़ेगा यहाँ पे चल क्या रहा है, वैसे आसपास लोग नज़र नहीं आ रहे, मतलब पक्का पुलिस ने प्लानिंग करी। और वो देखो सैडी यहाँ पे गन वगैरह निकाल रही है एंड मैंने अपने घोड़ा भगा दिया बट गन नहीं निकाली भाई। एक सेकेंड मेरे को गन चाहिए यार, मेरे को एक स्नाइपर चाहिए। ओके कोई दिक्कत नहीं है मैं इसको कवर दे दूंगा। ओके तो अभी मेरे को इसे कवर करना है क्योंकि इसको पता है आर्थर की थोड़ी हालत ख़राब है, इसीलिए कह रही है कि आर्थर कहीं लाइट हाउस पे चले जाए एंड इसको कवर करे। ये जा रही है आगे, कोई दिक्कत नहीं है मैं फटाफट से लाइट हाउस पे चलता हूँ के मेरे को एकदम टॉप पे जाना है लाइट हाउस के, बस गेट ओपन हो। वैसे यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं तो गेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से चलते हैं ऊपर एंड इसके भी ऊपर जा सकते हैं क्या? एक सेकेंड गेट था, ये गेट खुलेगा क्या मेरे को एक मिनट देखने दो। अरे खुल रहा है भाई, खुल रहा है खुल रहा है खुल रहा है, मुझे लगा सीढ़ियाँ ही होंगी ऊपर जाने के लिए, गेट खुल रहा है। चलो 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 ओके इससे भी ऊपर चलो। ओके तो मुझे लगता है अभी हम लोग एकदम टॉप पे आ चुके हैं, यहाँ से मैं काफ़ी बढ़िया कवर दे सकता हूँ एंड जो भी मेरे को नज़र आएगा ना भाई गया, 8x लगा रखा है अपन लोगों ने 8x यहाँ पे, और भाई यहाँ पे तो काफ़ी तबाही मची हुई है। ओके ये रही एविगिल, एविगिल को ये पकड़ के जो ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक एक मरेगा एक एक बंदा। ओके तो गाइज वो जा रही है कवर सीढ़ी। ओके कोई दिक्कत नहीं है कवर देते हैं इसको।
मैं मारना चालू कर दूं क्या पहले मेरे को? एक सेकेंड, अगर मैंने इसको मारा तो, एक मिनट, मैंने टपका दिया दो को। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यार। हेड एंड मारो या बॉडी मारो वो समझ में नहीं आ रहा, हेड पे ही मार देते हैं। ओके 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 ओके, यहाँ पे कुछ और बंदे हैं। इतना घूम के रहो, एक जगह रुक जाओ भाई। गया ये भी। बंदे हैं कहाँ कहाँ पे भाई, समझ में भी नहीं आ रहे। ओके गाइस, एक यहाँ पे है, निकल यहाँ से। दो यहाँ छुपे हुए हैं भाई, उसने अलग ही निपटा रखे बंदे, मेरी जरूरत भी नहीं है उसे। ये यहाँ कब आया भाई? और बंदे हैं क्या? ओके, वो आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा, आगे जा, आगे जा। अबे कहाँ है बंदा? ये रहा एक बंदा, ये रहा भाई। इसको तो दिया कर्रा वाला शॉट मैंने रख के। गया ये भी। आगे जा, आगे जा, आगे जा, आगे जा, आगे जा, आगे जा, आगे जा। ओके, इसके अंदर ही रखा था ना? अच्छा, इसके अंदर रखा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाहर से कवर दे रहा हूँ इसको। अरे भाई, उसने उसे पकड़ लिया है। अरे भाई, आर्थर का दिमाग खराब हो गया। अभी चलते हैं नीचे, अभी चलते हैं नीचे, अभी बताता हूँ मैं चल के नीचे। कोई सीन नहीं है, कोई सीन नहीं है, सब मरेंगे भाई, सब मरेंगे। मेरे को चाहिए ये वाली गन अपने हाथ में, अब आ जाओ। मैं रुकने वाला ही नहीं हूँ भाई, मैं रुकने वाला ही नहीं हूँ, इसमें भागते भागते मारूंगा। अरे भाई, खोपड़ी गायब। अरे अरे अरे, तेरी तो, निकल यहां से। भाई सर गायब कर दूंगा लोगों के सर गायब। मुझे नहीं पता था गाइस मेरे पास ऐसी कोई पिस्टल है, मैंने ना मॉडिफाई करा था कुछ टाइम पहले, मैंने ना मॉडिफाई किया था बट मुझे। अरे भाई भाई भाई, भाई घोड़ा गया वो, सोचो घोड़। अरे भाई मर ही नहीं रहे बंदा। हाँ अच्छा, मेरे मुंह में घुस जाके। एक सेकेंड, गोलियां खत्म हो गई क्या? नहीं 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 है। अच्छा ये वाली पिस्टल चलाओ। एक सेकेंड गाइस, मेरे को 10 गोलियां रह गई इसमें, बस 10 गोलियां। चलो एक गया, अरे भाई बच गया। कहाँ रह गया? एक आध बंदा रह गया। कोई दिक्कत नहीं है, तेरी तो निकल यहां से। खोपड़ी फोड़ दी दोनों की। ओके लेडीज, ओके उसको देखो कैसे बांध रखा है भाई। ये कौन है? ओके भाई, ये बंदा अभी तक जिंदा है गाइस, मुझे तो लगा था ये मर गया, ये अभी तक जिंदा है भाई। ये बंदा मरेगा नहीं भाई, ये पुलिस वाला अभी तक जिंदा है भाई, इसने हमारे इतने सारे बंदों को मारा है, इतने सारे बंदों को, ये अभी तक नहीं मरा भाई। ओके यहाँ पे क्या सीन चल रहा है भाई? ओके 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 ओके, ये बंदा आज बचेगा नहीं गाइस, ये आज बचने वाला नहीं है। एक सेकेंड, ओके ओके ओके, एविगेल ने अपनी रस्सियां खोल ली भाई। मैं तो डर ही गया था,
मैं तो डर ही गया था, मेरा क्या सीन होने वाला है। ओके भाई आर्थर ना बहुत वीक हो गया, नहीं तो आर्थर इसको कब का मार देता, पर ये बहुत ज़्यादा वीक हो गया। इसके हालत देख रहे हो भाई, मुझे तो लग रहा है कभी भी निपटना चाहिए। ओके तो गाइस फाइनली अपन लोगों ने भाई अपनी एक गैंग के बंदे को बचा लिया है, मतलब भाई एविगिल को बचा लिया है, पर अभी भी अपन लोग सेफ नहीं है। अरे कहाँ भागा जा रहा है भाई, कहाँ भागा जा रहा है? निकल यहाँ से। ओके ये मेरा घोड़ा चला रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोनों गन चलाता हूँ, आ जाओ। दोनों हाथों मैंने गन ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर पीछे आया तो मैं उसको शूट कर दूंगा। अभी फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा, बहुत बंदे आ रहे हैं, बहुत बंदे पीछे आ रहे हैं। भाई मैं अंधाधुंध गोलियां चला रहा हूँ, एम लग ही नहीं रहा, सच्ची बता रहा हूँ मैं। घोड़े चलाते चलाते एम लगता ही नहीं है। गया, एक ऊपर से आ रहा है। आ जाओ भाई, कितने बंदे हैं गाइस ये, भाई इतने ऐसे गोलियां खत्म हो जाएंगी चलाते चलाते। भाई बहुत बंदे आ रहे हैं गाइस, यार मैं एक तो दूसरी गन चला भी तो नहीं सकता। एक सेकंड यार, ये वाली पिस्टल लो हाथ में। अब आ जाओ। ओके गाइस हम लोग सेफ है, हम लोग अपने कैंप के पास पहुंचने वाले हैं। अभी हम लोग फाइनली सेफ हैं एकदम। ओके सो गाइस अभी यहाँ पे बातचीत चल रही थी, ये यहाँ से जा रहे थे, एंड जाते जाते एविगिल ने मेरे को एक की दी है, ये डच की घोड़ा गाड़ी की है, एंड ये बता रही कि डच ने वहाँ पे सारा का सारा पैसा छुपा के रखा है, एंड उसकी की इसके पास थी। भाई क्या तगड़ा सीन है। ओके बाकी आर्थर की हालत मेरे को बहुत ख़राब लग रही है। मुझे लगता है जो लोग कमेंट कर रहे थे कि चैप्टर 6 के बाद आर्थर मरने वाला है, मुझे लगता है गाइज ये चीज़ सच होने वाली है, क्योंकि अभी अपना आर्थर काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया भाई, एंड साथ में जो ये म्यूज़िक चल रहा है ना भाई, ये तो एकदम अलग ही लेवल का है, मतलब अलग ही लेवल का। एंड अभी हम लोग अपने कैंप में जा रहे हैं, फिर कहाँ जा रहे हैं मेरे को नहीं पता। तो अभी हम लोग अपने कैंप में पहुँचने वाले हैं। बाकी गाइज आर्थर को ना सारी पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं, मतलब जो जो जिसने भी बोला था आर्थर को सब कुछ याद आ रहा है। बाकी तुम लोग अभी यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ एक बंदा है यहाँ पे। ओके ये माइक है ना, यहाँ पे पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी तगड़ी रॉबरी कर लिया है, एंड प्लान के मुताबिक हम लोग यहाँ कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री जा रहे हैं। मतलब मुझे लगता है गाइज आज द एंड हो जाएगा। ओके यहाँ पे बात करना है, मुझे लगता है गाइस ये लोग धोखा देने वाले हैं आर्थर को। यहाँ पे माइक भी है एंड डच भी यहीं पे है, तो ये लोग जरूर धोखा देंगे। ओके तो गाइस अभी जो पुलिस वाला हमें मिला था, वो पुलिस वाले ने हमें माइक के बारे में कुछ बताया था, एंड यहाँ पे डच उससे बात कर रहा है। और एक सेकेंड भाई, मुझे लगता है कि डच अभी माइक को शूट कर सकता है शायद। Dutch. John. भाई. You left me. ओ भाई जॉन आ गया यहाँ पे। Left me to die. My boy. I didn't have a choice. Okay. John, I didn't. You. I didn't have a choice. Left me. भाई you left me. ये भाई क्या चल रहा है? You pick your side now. सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए भाई. Here's Dutch. ओके भाई, क्या चल रहा है ये? ये तगड़ा सीन हो गया गाइस। भाई वो सारे लोग एक साइड हो गए।
आर्थर और जॉन एक साइड। भाई ये तो बहुत तगड़ा सीन है गाइज पूरी। ओके पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई गाइस, यहां पे पुलिस आ गई। हम लोग इन्हें नहीं मार सकते क्या? रिटर्न टू जॉन। अरे 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 भाई, ओ गाइस मेरे घोड़े को गोली लग गई। गाइस मेरा घोड़ा मर गया भाई। हीरा को मार दिया इन लोगों ने। तुम्हारी तो ऐसी की दसी, अब मैं तुम्हें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। गाइस हीरा मेरे पास आ रहा था भाग कर। उन लोगों से मैं बाद में निपटूंगा, पहले तुम लोगों से निपट लूं। निकलते हैं, निकलते हैं गाइस, बहुत ज्यादा बंदे हो गए। जॉन सही बोल रहा है, केव में चलते हैं। ओके मेरे को जॉन को फॉलो करना है भाई, मेरे को आगे नहीं जाना है। जॉन को फॉलो करते हैं। भाई पीछे से वो लोग भी आ रहे हैं, पीछे से वो लोग भी आ रहे हैं। भाई रास्ता बंद। ओके रास्ता है, है रास्ता है। ओके निकलो 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 निकलो। भागते रहो भागते रहो भागते रहो भागते रहो। गाइस अभी हम लोग टनल से बाहर निकल चुके हैं। ओके उस केव से बाहर आ गए। अगर वो केव नहीं होती ना तो मुझे लगता है हम बचते ही नहीं, हम वहीं मर जाते। एक सेकेंड, मैं सीटी बचा रहा हूँ, इसका मतलब मेरा घोड़ा जिंदा है। एविगेल सेफ। ओके Where are they? It was Sadie, the Copperhead Land. ओके 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 गाइस अपना घोड़ा ठीक है, वो शायद किसी और का घोड़ा था। हद है भाई। I want you to not look back. Like I said. ओके तो गाइस अभी अपने को, अरे 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 भाई 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 पुलिस से बचे तो अभी अपनी गैंग आ गई। अपनी गैंग वाले अपनी जान के दुश्मन है। भाई क्या सीन है यार, क्या सीन हो गया भाई। मैंने सोचा नहीं था गाइस ये ऐसा करने वाले हैं। मेरे को लगा था सिर्फ एक दो बंदे ही धोखा देंगे तो पूरी गैंग धोखा दे देगी, मुझे ये नहीं पता था। मैंने लोग की इतनी ज्यादा जान बचाई। अरे भाग ना, फॉलो मी। क्या भाई नीचे से अपने बंदे आ रहे हैं, नीचे से अपने बंदे अपने को मारने आ रहे हैं, ऊपर से पुलिस घेर रही है। आज नहीं बचने के भाई, आज नहीं बचने के अपन लोग। हर तरफ से गोलियां चल रही है, हर तरफ से गोलियां। ओ भाई गाइस बहुत तगड़ा सीन है, बहुत बहुत ज्यादा तगड़ा। दोनों के दिन हम लोग घोड़े से नीचे गिर गए। एक सेकंड, मेरे पास गन ही नहीं है यार। जिस टाइम मेरे को गन चाहिए होती, मेरे पास गन नहीं होती। गए 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 गए। ओके अपना घोड़ा मरा नहीं है, बस घायल हो गया मेरे को लगता है। नहीं मर गया। ओ भाई भाई एक से एक तगड़े इमोशनल सीन चल रहे हैं, एक से एक तगड़े इमोशनल सीन। गया भाई गया, हीरा गया गाइस। बहुत ज्यादा गोली लग गई उसको, बहुत ज्यादा गोली।
ओके तो गाइज यहाँ पे आ रहे हैं हेल्प जॉन गेट टू सेफ्टी या फिर रिटर्न फॉर मनी, तो मैं हेल्प करने वाला हूँ इसकी। मनी वगैरह छोड़ो, इसको इसको बचाते हैं, इसकी फैमिली है, इसको बचाना बहुत जरूरी है। ओके निकलो निकलो निकलो, मैं इसे बचा कर रहूँगा, मैं इसे बचा के रहूँगा बाकी सबसे। ओके भागो 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 भागो, कुछ भी हो जाए क्योंकि आज बहुत ज़्यादा तगड़े सीन हो गया गाइस, बहुत ज़्यादा तगड़ा सीन। अभी कहाँ चढ़ता जा रहा है जॉन ये, इसको शॉर्टकट पता है शायद। ओके वो रहे अपने गैंग के बंदे। और ये गोलियां चला रहे गाइस, उन लोगों ने अपने को देख लिया है, उन लोगों ने देख कैसे लिया मेरे को नहीं पता भाई, गोलियां चलाने में लगे पड़े हैं। हम चढ़ का रहे हैं भाई, खड़े पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। ए अरे यार गाइस, दो को तो निपटा दिया मैंने, दो को निपटा दिया, अभी जॉन के साथ चलते हैं। ओके निकलो 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 फटाफट से, एक सेकेंड। ओके मुझे लग नहीं रहा आर्थर जा पाएगा गाइस, मुझे लग नहीं रहा ये जा पाएगा। ये खत्म है गाइस। ओके तो आर्थर बोल रहा है कि भाई तू जॉन जा, मैं इन्हें रोकता हूँ, क्योंकि आर्थर मुझे लग नहीं पा रहा कि जा पाएगा। ओके जो पैसा वगैरह वो भी शायद इसको दे दिया। ओके आर्थर गो टू योर फैमिली, आर्थर गेट द हेल आउट ऑफ हियर एंड बी अ गॉडडैम मैन, यू आर माय ब्रदर। ओके गाइज मुझे लग रहा है ये आखिरी टाइम है आर्थर का, आखिरी टाइम है आर्थर का। भाई देख रहे हो कहाँ फाइट हो रही है गाइस, कहाँ फाइट हो रही है। एक सेकंड मेरे पास एक आइडिया है। ओ तेरी गाइस ये माइक आ गया। ओ भाई भाई यार इस बंदे की मैंने कितनी ज्यादा जान बचाई थी, कितनी बार जान बचाई थी मैंने इस बंदे की, पुलिस से जान बचाई भाई, हर किसी से मैंने इसकी जान बचाई, और ये बंदा भाई अपने को मार रहा आगे। गाइस यहाँ पे कहानी खत्म है आर्थर की, क्योंकि आर्थर पहले से बहुत ज्यादा वीक हो गया बीमार पड़ने की वजह से, मुझे लग नहीं रहा कि ये बच पाएगा। ट्राई तो मतलब पूरा करेंगे कि इसको टपका दें। तेरी तो एक सेकेंड। ओ भाई गाइस आर्थर मार ही नहीं पा रहा है, आर्थर मार ही नहीं पा रहा है गाइस, आर्थर मार ही नहीं पा रहा है गाइस अब। You ain't no man. भाई तेरी तो, इसको तो नीचे उठा के फेंक दो, मन कर रहा है इसको नीचे उठा के फेंक दी। अरे भाई 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 भाई, भाई, भाई। तेरी तो निकल यहाँ से, इसको तो उठा के भाई नीचे फेंकने का मन कर रहा है भाई। आर्थर इतना वीक हो गया पर फिर भी इसकी बैंड तो बचाई दी बहुत बुरी तरीके से मैंने। ओके अपने आप को बचाने की कोशिश तो करनी पड़ेगी।
बचाने की कोशिश तो करनी पड़ेगी गाइस। ओ भाई तेरी तो निकल यहां से, इसको नीचे फेंक आर्थर, इसको नीचे फेंक। मैं डॉच कर ले रहा है, ब्लॉक कर रहा है, देख रहे हो, ये ब्लॉक ना करे ना तो इसको कब का फेंक दूं। ये है बहुत खतरनाक भाई, ये भी माइक है बहुत खतरनाक। मैं इसके पास ही नहीं जा पा रहा, ये भाई ब्लॉक, देख रहे हो। मुझे लग रहा है और लोग भी गाइस आने वाले हैं यहाँ पे, और लोग भी यहाँ पे आने वाले हैं, और बाकी के लोग भी आने वाले हैं। ओ भाई मैंने सोचा नहीं था गाइस आर्थर के साथ ऐसा कभी सीन हो सकता है, मैंने सच्ची में नहीं सोचा था आर्थर के साथ कभी ऐसा सीन होगा। ओके गाइस मेरे पास एक गन आ गई, गन मिल गई मेरे पास। ओ तेरी वो रही गन गाइस, मैंने सोचा नहीं था कि आर्थर के साथ कभी ऐसा होगा। यू ऐंट गोना रीच दैट गन, यू ऐंट, यू लॉस्ट माय सिक फ्रेंड। आर्थर बीमार है इसी वजह से जा नहीं पा रहा गाइस। यू लॉस्ट ब्लैक लंग। ओ भाई You've lost. तो अभी अपने को एरकी वाला पार्ट स्किप करना पड़ेगा क्योंकि बार बार ये भाई फेल हो जा रहा है। ओके तो अभी स्किप करने के लिए मेरे को यहाँ ओके इस पर क्लिक कर देते हैं, स्किप सीधे चेक पॉइंट आ जाएगा। ओके तो गाइज हमने वहां पे स्किप कर दिया एंड यहाँ पे टच आ चुका है। It's over. ओके मुझे लगता है कि यार आज भाई आर्थर का आखिरी दिन है, आर्थर को ये लोग छोड़ने वाले नहीं है। ओके क्योंकि माइक ने इसे बहुत ज़्यादा मारा एंड मुझे लगता है कि माइक को ओके मैंने शूट कर दिया था एंड उसके बाद यहाँ पे डच आ चुका है भाई। यहाँ पे माइक हम लोगों से कुछ छुपा रहा है, ये हमारे पीछे प्लानिंग कर रहा था पुलिस वाले के साथ मिलकर, बट मुझे नहीं लगता कि डच मेरी बातों पर यकीन करेगा। ओके भाई मुझे लग रहा है ये इसको शूट ना कर दे। ओके ओ भाई 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 डच भाई वो डच को गन दे रहा है। इट्स गो बडी। ओ भाई 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 वी वन, इन लोगों ने शूट कर दिया गाइस आर्थर को शायद। जॉन मेड इट भाई, मैंने सोचा नहीं था इसकी मौत इतनी बुरी तरीके से होगी। मतलब मुझे ये तो पता था कि यार माइक या फिर डच धोखा देंगे, पर ये नहीं पता था कि इतनी बुरी तरीके से मारेंगे भाई। तगड़ा सीन है भाई, बहुत तगड़ा सीन। Come on, let's go. We can make it. Okay. Come on, Dutch. डच दूसरे रास्ते चला गया। Come on. Okay. भाई क्यों और ज्यादा गुस्से में आ गया है। ओ तेरी। You're not better than me, Morgan. Okay, you are not better than me, Morgan. भाई 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 भाई। ओ तेरी। Guys. ये सीन बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक भाई। आर्थर की मौत ऐसे होगी मैंने सोचा नहीं था, मुझे लगा था या तो ये बीमारी से पुलिस इसे शूट करेगी। मैंने सोचा नहीं था कि भाई इसको इतनी बुरी तरीके से मारा जाएगा। हम लोगों ने इस गेम में भाई कितने सारे जानवरों को मारा, इतने सारे लोगों को मारा, इतने बड़े बड़े गैंगस्टर्स को, इतनी बड़ी गैंग को, पुलिस को, सबको मारा, बट लास्ट में हमारी टीम ने हम लोग को धोखा दे दिया
एंड इतनी बुरी तरीके से प्लान करके मारा। मतलब आर्थर का एक ही सीन था कि वो अपनी गैंग को बचा रहा था, बट दो तीन हमारी गैंग में ऐसे लोग थे जो पुलिस से मिले हुए थे एंड डच को तो सिर्फ पैसा चाहिए था। भाई बहुत तगड़ा सीन, बहुत तगड़ा सीन। ओके तो गाइस अभी आगे की शायद स्टोरी दिखाएंगे एंड आर्थर का तो दी एंड हो चुका है एंड देखते हैं अपने लोग आगे क्या करते हैं। मैं सोच रहा हूँ इसमें भी थोड़ी बहुत स्टोरीज बनाते हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है मेरे को कमेंट करके बताना। एंड ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना। बाकी इस वीडियो को भाई अगर तुम लोगों ने मिस किया है ना थोड़ा सा भी, तो बहुत कुछ मिस कर दिया है। बाकी यार चलो यार आज के लिए इतना ही काफ़ी। भाई आर्थर की मौत देखने के बाद तो भाई मेरा मूड ही ख़राब हो गया है, तो इस वाले वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट करके यार जरूर बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। एंड अगर आप लोग चाहते हो मैं आरडीआर के और भी एपिसोड लेकर आऊँ तो अभी कमेंट करो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।